7 डिग्री टेम्परेचर दस रहे ने दादा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। यार खाओ ना मंचूरियन। तुम गरम के ऊपर ये और क्या गरम गरम खाई जा रही है? वो नहीं है ना, रात सुबह उठ के देखना पड़ता है टाइम, उसमें टाइम खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोजी व्लॉग की शुरुआत करते हैं ट्विंकल जी की ड्राइंग के साथ। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ड्रेस बनाई है। और ट्विंकल जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है हमारे, आप बताएं। क्लास हो गई आपकी? क्लास हो गई। तो हम भी बस एडिट करके निकल ही रहे हैं घर आने के लिए। चलो आओ आओ, जल्दी आओ। आते हैं, मिलते हैं। ओके बाय बाय। सोजी टाइम हो गया 6:52 और अब है घर जाने की तैयारी। बेदी जी ने सामान बहुत इकट्ठा करवाया है, ये सारे कलर्स घर जाने। लाइट बंद कर दीजिए। सिर्फ ये गेट जितना दिख रहा है। हो गया ना? बंद। सुनिए, चलने की तैयारी करिए। चलो भाई सब लोग, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट हो जाएगी। सब लोग यहाँ पे, ये बताइए, डिसीजन लिया जा रहा था कि बंद कर दी जाए हफ्ते के लिए, 23 जनवरी तक स्कूल बंद है। क्या कहते हैं, बंद करते हैं? आज घर पे भी एक बार बात करते हैं गृह मंत्रालय से, फिर देखते हैं आगे से क्या डिसीजन आता है। चलिए पैकअप करिए, चला जाए। 7:46 और हम पहुंच गए घर। सामान है बस। आज सामान का जी। क्या हाल है? ठंड बहुत है दादी। ठंड है ना? तो जी पालक आ गई है। हाँ जी, साग बन गया, सरसों का, मकई की रोटी। वो तो ठीक है, मत्थे ते कितने पालक लाई हुई सी। कितने बजे वापस आए गुरुद्वारे से? 5:30। कहाँ है बहू? सब कोठे ही पड़ी है, कोई नीचे आए। सब ऊपर है, मिलते हैं सबसे। ऐ बुआ बंद कर दी, पर आप साग के साथ ये सोया मेथी कहाँ से ढूंढ लाए हो? सोया मेथी ये बचूगा, सब कुछ डालेंगे, वो डालेंगे। शलजम कहाँ है? सुबह है, अंदर पड़े आ गए हैं शलजम। सुबह चीजें। सो जी शलजम भी आ गए हैं, बाटी चोखे के लिए बैगन भी आ गया है। तो दादी साग कब मिलेगा खाने को? कल शाम को। आज तुमने बोला स्पेशल साग लेके आया। स्पेशल क्या है? वो आ गया था सब्जी वाला नीचे ही। तो बाकी सामान थोड़ी ना मिला था। फिर बाकी सामान तो मार्केट से लाना पड़ा। किसके साथ गए थे? शुक्ला जी से मंगाया। लाना क्या पड़ा? अरे मतलब आया तब तो। और तुम सुनाओ, बहुरानी कहाँ है आपकी? क्या कर रही है? ठंड के मारे आज उतरी नहीं है नीचे। पुदीना? पुदीना भी उसी के पास है। बेटी जी गुड इवनिंग। ठंड के पूरे मजे आप ही ले रही हैं। सही बात है। हीटर लगा के बैठने को मिला है आपको और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। दादी आपका फोन हमारे पास रह गया था आज। अरे मैं क्या, मैं तेनू देनिया मांग लैनी हूं, आज तुम उन्हें पकड़ के गुजारे छंडे लगाते हो, उससे याद ही नहीं रहा। फिर पिछली बार मम्मी लाके पकड़ा रहे थे, भूल जाते हो आप? भूल तो जाते ही, चन्ना ते हथे गए ना, वो दे जांदा दुकान तो आके तू कि तू आंदा। वो तो फोन आ रहा था शाम को। आया होगा। अरे मैंने कहा चन्ने को फोन किया, फिर मैं उन्हें किया, मैं कह रविंदर जरा फोन कर चन्ना आवे, फिर चन्ना आया तो थे बलजीत। हिंदी में बात करनी होती वैसे। सब लोग वहाँ पहुँच गए। फिर कहाँ पहुँच गए? गुरुद्वारे में। बलजीत मामी जी आई हुई हैं। वो आ गई तो वहाँ बातें लग गए। मैं चन्ने का तू जा, मैं आप चली जाऊंगी, तू कहता ही बैठा रहेगा दुकान चढ़ के। सो जी बेदी जी भी नीचे आ गए हैं खाना खिलाने। बेदी जी ना चंगा तरिया। बेदी जी मैं थोड़ी तरिया। बेदी जी आपका ये सामान आ गया है, सारे ले आए, वहाँ कुछ नहीं बचा है। योर वेलकम है। मूली कहाँ लिए जा रही हैं आप? काटने जा रही हूँ। लाओ जी लाओ, डिनर कराओ। चलो बच्चों का डिनर अभी आया। बेदी जी ने फ्राइड राइस मंगाए हैं। हाँ, उनका मैंने खाया। कड़ी तो खैर बहुत अच्छी लग रही है, सब्जी भी है, स्वाद ही है। स्वाद सुबह नाश्ता। अब ये बताओ किस चीज का नाश्ता करो? बना ली है कुनिए। सो जी व्लॉग लग गया आज का। क्या खाने जा रही हैं आप? शहद खाने जा रही हैं। बहुत मिर्चा है दादी। ट्विंकल जी क्या मंगाया? मिर्चा ना पान। मेनू की पता सी इतना मिर्चा वाला है। चौमिन फ्राइड राइस आए थे दादी, लेकिन पूछो ना, तू खा गई सारी मिर्चा? थोड़ी थोड़ी मिर्चा थी लेकिन खा ली। हाँ भाई स्वाद मिर्च से नहीं ना। दादी सब्जी काटते काटते ही आपने खाना पकड़ लिया, मतलब ये सब्जियां आप कल कटेंगी?
बैठे इतनी मेहनत क्यों करते हो, मतलब इतना लोग है अब तो जी रहेंगे तो तुम बनेगा ना कल। अब तो आपके बेटी की बेटी भी यही है आपका हाथ बटाने के लिए। बेटी क्या करे, अरे अच्छा है सुबह तो इमरती खाने का मूड है आज आपका? आएंगे अभी तक पूरी ठंड बीत गई, मरती अबड़ी खाई ना इस बार बाहर का वो आया है मूंग की दाल का हलवा और ना ही गाजर का हलवा। मूंग दाल हलवा आइए आप मूंग दाल हलवा खाएंगे? हाँ जी। इमरती नहीं खाएंगे? दादी जो मन करता है तो वो तो खा ही लेती है। खाना चाहिए। चलिए फिर पैक करा के लाते हैं, घर पे आके दादी के साथ ही खाएंगे। हाँ ठीक है। और इमरती रबड़ी भी लेके आते हैं। मम्मी जी भी आ गए हैं डिनर लेके। आप एक ही फुल का खा रहे हैं? देख ना मेरे वास्ते पे मिर्चा में इतनी दुश्मनी कटी भाई ने। अरे बहुत मिर्चा है, मिर्चा काट ला देख के सारे मिर्चा नहीं है ग्रीन वाला। अरे नहीं हरी मिर्चा खाओ बेटा खाओ और खाइए फिर चले इमरती लेने। आके बैठिए जल्दी खाइए। हाँ आराम खाने दो, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी अभी ना मेहती वाला पगेगा। एकदम लग जाएगा 10 बजे। अच्छा भी 8:30 ही हो रहे हैं। क्या हो गया आजकल जल्दी घर आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। इसको फैन के नीचे रख के लाओ, जाओ लाओ यार हम ठंडी कर देते हैं। इतनी ज्यादा मुझे गरम कड़ी ला के दी गई है। ये गरम कड़ी आपकी सास ने जबरदस्ती गरम करके आपको दिया ताकि आपका मुंह जल जाए। बहुत बोलने लग गई हो ना तुम। बहुत बोलती हूँ क्या? धुआं धुआं धुआं। सोचो हमने इतनी गरम बड़ी खाई है। आप तो खा रहे हो तो मैंने भी खाई है। क्यों दादी खा रहे? आपकी बहू बहुत बोलती है कि नहीं बोलती है? दादी खुद ही बहुत बोलने में व्यस्त है। दादी आर वेरी गुड, बहुत मस्त चॉप। आपकी बहू बहुत नहीं बोलती है? कौन ये छोटी वाली? नीचे बैठती ही नहीं है, चलाई कोठे पर बोलती रहती है। वो अगर ऊपर अकेले बोलती होगी तो वो अलग बैठा है। कहाँ रह गए थे आप? जाएगी मम्मी ढूंढ रही है कब से आप? कह रही है रिपोर्ट लिखो। फोन तो नहीं मिला? अरे बंद हो जाता हो कभी कभी अपने आप थे? यही तो थे ग्राउंड पे आगे ताप लगा के क्या करे। हम सोचे बीवी से मिलने गए हो। और पुदीना कैसे? सरसों बहुत अच्छी है। चटनी कुट लो पुदीना। चटनी कुट ली पुदीना। किसी दिन दादी कुट भी लानी है आपा। ब्लॉग लगाओ जी ब्लॉग। मम्मी ने ब्लॉग नहीं देखा तो गाइस ब्लॉग फिर से लगने जा रहा है। ओके शुक्ला जी गुड नाइट है। नीचे जाके बताइए दादाजी को कि कितने अच्छे लगते हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं इमरती लेके आते हैं। जाओ चलिए जी आ गए हैं आपके बड़े अच्छे लगते हैं वैसे। मातेश्री चलिए गाड़ी की चाबी लीजिए। सरसों भी तब तक पालक साफ करवा। शीत लहर चल रही है ज़्यादा जी। सारी लेडीज ने अपने सिर पे शॉल ओढ़ लिए। सुना इमरती लेनी है आपके लिए? नहीं आपके लिए तो लेनी है। आपने से एक बाइट खाऊंगी। ओ दादी तुम लोग बंद कराते हैं। हाय हाय दादी जलेबी भी आई है और इमरती भी आई है। रबड़ी कहाँ गई? रबड़ी भी आई है। ट्विंकल जी मूंग दाल का हलवा एंजॉय करते हुए आ रहे थे। साग आपने पूरा साफ कर ही दिया, सुबह का काम बचा नहीं। नहीं अभी थोड़ा सामान बर्फ पड़ गई। पापा हाँ जी दादी स्वाद है क्या करना था? वो नहीं है ना रात सुबह उठ के देखना पड़ता है टाइम उसमें टाइम खत्म हो गया। बैटरी नहीं है। थोड़ी देर लगा देगा तक आएंगी जरा मसा तो हो ही जाएगी। हेला लगा दे। गुड नाइट है। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे सो जी पौने 9 और बेदी जी चाय ले आई है। बेदी मेरा न्यूज पेपर मेरी चाय नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। आप तो सुबह सुबह शलजम लेके बैठ गए। क्या करें
ठंडी हवा, गजब की ठंड है भाई। गुड मॉर्निंग, बस न्यूज़पेपर ही लेने आ रहे थे। चाय ऊपर आई पर दादी अखबार नहीं आया। अब आया अखबार नीचे से, ठंड बिल्कुल हिंदी वाला, आप ले लीजिए। गुड मॉर्निंग, अभी दादी जी कर रही थी, अब आप बैठ गए हैं, क्या बात है? कुछ ज्यादा ही सब्जियां ले ली हैं क्या घर वालों ने? क्या धनिया की चटनी बननी क्या? अच्छा आज तो आपने पाठ करना नहीं होगा। क्यों, कल समाप्ति हो गई? नहीं तो फिर रखा है ना। कब से शुरू किया? को हाँ जी, तो कहाँ रोटियाँ बनाने जा रही हैं बाप? अब बनाएंगे फिर पाठ। आज घर में बन रहा है वेज चिकन, ब्रेकफास्ट में मटर के पराठे। ओ जी अंडा पारी, आज कुछ नया मिलेगा, मटर के परौंठे। हाँ ये देखिए मटर को वो कर लिया गया कद्दू को। ट्विंकल जी तो कह रहे थे कुनिया बनेगा, आपकी सासू माँ ने तो कुनिया को पीस दिया। रात को डिसाइड हो गया था। ओ जी रात ही को डिसाइड हो गया था। बेदी जी वेज चिकन बनाने की तैयारी में है। सो बेदी जी आज आपने वर्चुअली क्लास करनी है कि आज आप जाओगे सेंटर? आज जाऊंगी, पर ठंड बहुत है। पर मेरा बहुत ज्यादा वो मिस हो रहा है, प्रैक्टिकल सारे मेरे मिस हो चुके हैं, सबके सैंपल्स बन चुके हैं, जिस बन चुके हैं मेरे नहीं बने। कवर रखिएगा अपने आप को, हमारी बीनी कैप लगा के जाइएगा, क्या समझिए? आपको ना लगा के चली जाऊँ। हमें कैसे लगा पाएंगी आप, हमें तो आप दो लगा पाएंगी बस। 7 डिग्री टेम्परेचर दस रहे ने दादी। ओ, 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 ओ। मैं तो कहना बर्फबारी इतने ही होनी शुरू हो जाए कुछ दिन बाद। बाहर जाने वाला नहीं करेगी, धूप नहीं निकल रही दादी। हाँ, बहुत ठंड है। सो जी नाश्ते की तैयारी है, हम सोच रहे हैं दादी अभी जाके दुकान पे बात करते हैं, 2-4 दिन दुकान बंद कर देते हैं, कोई आ तो रहा नहीं है। तो जब जाओगे तब बंद? हाँ भाई भाई जाने की तैयारी करते हैं और दुकान बंद कर देते हैं, वही ठीक रहेगा। ठंड बहुत है और स्कूल भी बंद है, तो कुछ मतलब नहीं हो। आओ जब तक, हाँ सफर शुरू करते हैं बहुत जल्दी। तो क्या करें, बहुत है बाहर, बहुत ठंडा। सो गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। पट्टी चंगे पढ़ा।